छत्तीसगढ़ प्रदेश पंचायत सचिव संघ परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने पर शासकीय कर्मचारी घोषित किए जाने की लंबित मांग को लेकर एक बार फिर मीडिया पर अपनी बात रखी। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पंचायत सचिवों को कार्य करते हुए 25 वर्ष से अधिक हो गया है, लेकिन अभी तक शासकीयकरण नहीं किया गया है, जबकि पंचायत सचिवों के साथ नियुक्त हुए अन्य विभाग के कर्मचारियों को शासकीयकरण कर दिया गया है। पत्रकार वार्ता के माध्यम से संघ एक बार फिर शासकीयकरण के लिए उचित पहल करने की मांग शासन से की है। मांगों पर विचार नहीं करने पर संघ आगामी दिनों में शासन के विरुद्ध उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तुलसी साहू, प्रांताध्यक्ष प्रदेश पंचायत सचिव। पंचायत सचिव का एक सूत्री मांग परीक्षा अवधि पश्चात शासकीयकरण की मांग को लेकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था। हमने पिछले समय 26 दिसंबर 2020 से 23 जनवरी 2021 तक हमने काम बंद, कलम बंद, शांति तरीका से, गांधीवादी तरीका से हड़ताल किया था और 22 जनवरी को जो है माननीय पंचायत मंत्री जी ने मध्यस्थता करते हुए हमने 23 जनवरी को हड़ताल स्थगित किया था और 24 जनवरी को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से उनके निवास में पूरा हमारा प्रदेश पंचायत सचिव संगठन का प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय मुख्यमंत्री के निवास में मुलाकात किया गया था। उसमें उन्होंने हमें दिसंबर 2021 तक शासकीयकरण सौगात देने का वादा किया था, तो आज आप लोगों के माध्यम से हमें शासकीयकरण का सौगात देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं। यदि दिसंबर तक हमें शासकीयकरण नहीं किया जाता है तो हमने शांति तरीका से, गांधीवादी तरीका से जो 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य करते हैं, उस 29 विभाग के 200 प्रकार के कार्य का बहिष्कार करते हुए केवल पंचायत विभाग का कार्य करेंगे और शासन का जो महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी और अन्य महत्वाकांक्षी योजना है, मनरेगा है, सबका बहिष्कार करेंगे, केवल पंचायत विभाग का कार्य करेंगे। तुलसी साहू, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पंचायत सचिव संगठन छत्तीसगढ़। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.